नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए GD और ट्रेड्समैन का जो आर्मी में क्वेश्चन पेपर होता है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आर्मी के जो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस किस सब्जेक्ट से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसमें मैंने आपके लिए पूरी जानकारी दी थी कि आपके लिए मतलब जो ध्यान में रखने वाली बात है, मतलब आपके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो वो मैं आपके लिए पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। एक जो नंबर होता है, क्वेश्चन होता है, वो कितने नंबर का होता है। तो GD ट्रेड्समैन दोनों का ही मैंने क्वेश्चन पेपर आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आर्मी की GD और ट्रेड्समैन के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों, सेक्शन ए में आता है सामान्य ज्ञान। उसके बाद में दोस्तों सेक्शन बी में आता है आपका जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में दोस्तों आता है आपका मैथमेटिक्स, यानी कि गणित, ठीक है। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का होता है, और लेकिन इसमें दोस्तों एक पिछले कुछ दिनों से माइनस मार्किंग का भी प्रावधान आर्मी में कर दिया गया है। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 0.5 जो है वो एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका सही नंबरों में से 0.5 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आर्मी के ओरिजिनल पेपर के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्योंकि दोस्तों, अभी मेरे चैनल पर ये जो सीरीज चालू हुई है, इसमें मैं आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर स्टोर कीपर, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और भी बहुत सारे पदों पर, जिस जिस पदों पर आर्मी में भर्ती होती है, सभी के ओरिजिनल पेपर लाकर दिखाऊंगा। और आपके लिए ये भी दिखाऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस सब्जेक्ट से आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब A to Z डिटेल मैं आपके देने वाला हूँ अगली 10 वीडियोज़ में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपके लिए भी आर्मी में भर्ती होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सेक्शन ए में देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए में आपको मैं जैसे 2-3 क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या होती है कि आर्मी क्या है दोस्तों, पूरे इंडिया में इसके पेपर होते हैं, तो कहीं पर दोस्तों हिंदी बोली जाती है, कहीं पर इंग्लिश। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTI, मतलब RTI का पूरा नाम क्या है। उसके बाद में आपको दोस्तों इस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें एक भी थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं होता है। मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन की थ्योरी नहीं लिखनी है, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे जनरल मतलब GK हो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और गणित, मतलब किसी का भी क्वेश्चन हो, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस आपको केवल ऑप्शन टाइप ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, RTI का पूरा नाम क्या है। अभी ये सभी आपको पता होगा कि RTI का जो पूरा नाम है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब सूचना का अधिकार, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन ये आपका ओनली क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन आपको जहाँ लिखना होता है वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपके पास में OMR सीट दे दी जाएगी, उसमें 100 तक गिनती होंगी, मतलब 100 क्वेश्चन की, उनके आगे ABCD, हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शंस होंगे। तो जैसे 2 नंबर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है, मान लीजिए फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी सही लग रहा है, रूस, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 4 गोले टाइप के होंगे राउंड राउंड राउंड, उसमें आपको जो ABCD वाला होगा, तो अगर आपका डी ऑप्शन है तो आपको डी में ही आपको जो है वो मार्क करना पड़ेगा, जिससे आप एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थ्री है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, ये मॉडल पेपर है आपका जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए अच्छी तरह से अगर दिखा पाऊँ तो आप देखिए यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों www.joinindianarmy.nic.in, ठीक है। तो ये आर्मी का ऑफिशियल पेपर है, मतलब इस टाइप का ही आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सेक्शन बी में होता है आपका सामान्य विज्ञान, मतलब सामान्य विज्ञान के इसमें क्वेश्चंस होते हैं जनरल साइंस के। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज़्यादा हार्ड एंड टफ़ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जीके पे अगर अपना मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए केवल सिंपल क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो आर्मी के जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको लेकर आया हूँ वो क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली 12 बजे एक जीके की वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं सिंपल क्वेश्चंस ही डालता हूँ। अब वो क्वेश्चंस मैं क्यों डालता हूँ आपके सामने सबूत है कि दोस्तों जो आर्मी के जो एग्ज़ाम होता है या फिर कोई भी एग्ज़ाम से डिफेंस का जिसमें कॉन्स्टेबल मतलब लोअर रैंक पे होता है उसमें केवल सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं। और आपका सिलेक्शन ना होने की जो मेन वजह है वो यही है कि आप लोग क्या करते हैं, बहुत हर टाइप के क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहते हैं, आप सिंपल क्वेश्चंस को देखते ही नहीं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आप उनका जवाब नहीं जानते हैं, या फिर जानते हैं तो माइनस मार्किंग की वजह से आप उसका जवाब नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आप होते हैं कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है एड्स किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। तो सबको पता है दोस्तों वायरस के द्वारा फैलता है एड्स, ओके। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, मतलब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो केवल यही है कि आपके लिए जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके रिटन एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन सी। यहाँ पर दो सेक्शन की बात हो चुकी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी की, अभी यह है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में दोस्तों आपका होता है मैथ, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये देखिए दोस्तों 53 की कक्षा में जया का 5वां स्थान है, कक्षा के अंत में अंत से जया का कौन सा स्थान होगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन बचता है आपका सेक्शन डी होता है ये, ठीक है, इसको मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो सेक्शन डी में आपके दोस्तों क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये रीजनिंग से क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं हल करके आपको दिखाऊं तो इस क्वेश्चन को पूरा हल करके भी मैं आपके सामने ला सकता हूं। लेकिन अगर आपको हल किया हुआ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 1000 बंदों का जवाब आ जाता है कि सर हमारे लिए ये हल पेपर चाहिए, मतलब पूरा सॉल्व पेपर चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी लाकर दे सकता हूँ, मतलब यहीं पे आपके लिए लाइव बिल्कुल हल कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे कम से कम 1000 कमेंट चाहिए इस वीडियो पे जिसमें दोस्तों ये लिखा हुआ होना चाहिए कि सर हमारे लिए हल किया हुआ क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल करके दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको पूरा दिखा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मैं देख सकता हूँ कि एक लड़की ने अपने घर से निकलती है, पहले 30 मीटर उत्तर की दिशा की ओर चलने के पश्चात वह 30 मीटर पश्चिम की दिशा की ओर जाती है, उसके बाद वह 30 मीटर दिशा दक्षिण दिशा की ओर जाती है, अंततः वह अपने घर की ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरल लॉजिकल रीजनिंग के, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका हल सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर आऊं तो आपके लिए क्या करना होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे सोल्जर क्लर्क के पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।